यूँ तो मुजफ्फरपुर की राजनीतिक रंग लोगों के समझ के परे हैं, मगर जिस तरीके से कल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है, उसके बाद से एक नई रणनीति, एक नया जुनून, एक नया तौर दिखने को मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि मुजफ्फरपुर शहर से आशुतोष साई जी ने कल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी उम्मीदवारी दी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि मीडिया के संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है। चुनावी मैदान में करने का मुद्दा ये है कि पिछले 25-30 वर्षों से मुजफ्फरपुर गिर भी पड़ा हुआ है। मुजफ्फरपुर के लोग त्रस्त हैं। आज बुलेट ट्रेन के का समय आ गया और बहुत सारे इलाके हैं कटरा और आई तरफ जो चचरी के पुल पर चलने को मजबूर है। 25-30 वर्षों में विकास की कोई मुद्दा उठाई ही नहीं गई, तो हम संकल्प लिए हैं कि मुजफ्फरपुर को एक नए मुजफ्फरपुर के रूप में विकसित करना है। दो पार्टियों के बीच अभी जो है मेन जो है चल रहा है लड़ाई, इसमें निर्दलीय में आप कहाँ अपने आप को पा रहे हैं? पार्टियों के बीच लड़ाई चलती रहती है और यहाँ मुजफ्फरपुर के लोग खास के पार्टियों की मनमानी और जो दलों की जो दादागिरी है, किसी भी प्रत्याशी को थोप देते हैं, जनता से राय नहीं ली जाती है कि ये प्रत्याशी उपयुक्त है कि नहीं है, अपने मनमर्जी से प्रत्याशी को उतार देते हैं। तो उसी का विरोध करके मुजफ्फरपुर के आम लोग, सभी समाज, सभी वर्गों के लोग मुझे लोक उम्मीदवार के रूप में इस चुनावी मैदान में उतारा है। जीत होती है तब क्या प्राथमिकता होगी? सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहला काम युवाओं को रोजगार देना हमारी प्राथमिकता है। अपराध के सिलसिले में क्या कहेंगे मुजफ्फरपुर? अपराध मुक्त मुजफ्फरपुर बनाने का संकल्प लेंगे। थैंक यू। हासिल नहीं की, जिस तरीके से कल नॉमिनेशन के दौरान एक बड़ा जन सैलाब आशुतोष साही के, निर्दलीय उम्मीदवार आशुतोष साही के समर्थन में पहुंचा था, उससे स्पष्ट होता है कि बहुत जल्द बहुत कुछ समीकरण बदलता बिगड़ता भी नजर आ सकता है। आपको बताएं कि एक दिन में कुल 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन किए हैं। आशुतोष साही के नामांकन के बाद कई राजनीतिज्ञ या कई राजनीति को परखने वाले व्यक्तियों का कहना है कि राजनीति को